मायसेल्फ सौम्या सिंह और आप हैं अपना बीए क्लासेस चैनल पे, जिस पर मैंने दो वीडियोस डाल दिया है आपके लिए, जिसमें पहला मेरा इंट्रोडक्शन है कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी, दूसरे में है कि आप कैसे बुक सर्च करोगे, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ डिजिटल है, डिजिटल लाइब्रेरी है हमारी बीए चुकी है, आप कहीं भी डिजिटल लाइब्रेरी है वहां बुक कैसे सर्च करोगे, मैंने उसमें पूरा प्रोसेस बताया गाइस, उसे जाके देख ले। ऊपर इस वीडियो के ऊपर आई बटन होगा गाइस, उस पे जाएं, उस पे मेरे दोनों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां जाके देख लें आप अपने मेरे दोनों वीडियोस। और उसके बाद गाइस, मुझे जैसे कि पता चल रहा था आप लोगों से कि आप लोग को जो इधर भी प्रोजेक्ट दिया गया है गाइस, उसमें आप लोग को बड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे आप लोग को सोशियोलॉजी का प्रोजेक्ट मिला है, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एंड पुरुषार्थ, उसमें गाइस आप लोग को प्रोजेक्ट दिया गया है A4 साइज पेपर पे बनाने के लिए गाइस। तो जो ये A4 साइज पेपर, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, टीचर्स और प्रोफेसर्स ने तो कह दिया आपको A4 साइज पेपर, और आप समझ नहीं पा रहे हो एक्चुअली में कि A4 साइज पेपर होता क्या है, कैसा है। तो वही मैं आपको इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि वो A4 साइज पेपर होता कैसा है और आप उसमें कैसे लिखोगे। बहुत प्रॉब्लम हो रही है ना जूनियर्स को कि दोनों साइड लिखूं, एक साइड लिखूं, या क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं समझ। तो गाइस कीप पेशेंस, पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है और A4 साइज पेपर एक्चुअली होता क्या है। तो गाइज लेट अस सी। गाइज हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, इवन हमारे जो पेपर हो रहे हैं इधर बीच, वो भी हम लोग A4 साइज पेपर पे ही लिए जा रहे हैं। देखिए गाइज ये पेपर, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपको आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, अगर आप ये भी चाहते हैं कि कितना इसका लेंथ है, कितना ब्रेथ है, ये भी मैं बताऊं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। क्योंकि एकदम से जिन्होंने नहीं देखा उनको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये होता है A4 साइज पेपर, रेक्टेंगल शेप का है गाइज। सीरीज आई थिंक एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। तो गाइज आपने देखा कि ये है A4 साइज पेपर। अब बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि इधर इस पेज पे लिखे कैसे, एक साइडेड लिखे या दोनों साइडेड लिखे। देखिए जो हमारे टीचर, उनको इस बात से नहीं प्रॉब्लम है कि आप एक साइड लिखे हैं चाहे दोनों साइड लिखे हैं, वो मेजोरिटी में तो यही कहते हैं कि आप एक साइड ही लिखे। बट उनके कहने का क्या रीजन है कि आप जो दोनों साइड जब हम लिखते हैं ना, इस साइड लिखा तो फिर इधर क्या होता है, वो चीजें उभर, क्योंकि थोड़ा पतला पेज है तो उभर जाती है वो चीजें इधर। तो जब हम इधर लिखते हैं और जब हम पीडीएफ बना के अपना सबमिट करेंगे अपने कॉलेज में, तो जब हम फोटो क्लिक करेंगे ना पीडीएफ बनाने के लिए, तो ये सारी चीजें बहुत हॉटस्पॉट से दिखेंगी उस पीडीएफ में। इसीलिए कहा जाता है कि इधर लिख लिए तो नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट पेज ने एक वो साइज पेपर था, और फिर इधर लिखे जैसे वन पेज टू पेज। बट गाइस आप नॉर्मल लिखते हैं, बहुत धसा धसा के नहीं लिखते हैं, मतलब जिससे अगर आप लिख रहे हैं तो आपका बहुत ज्यादा इंप्रेशन अगर इधर नहीं आ रहा है, तो आप आराम से इधर भी और इधर भी लिख सकते हैं। लाइक पेपर पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4। बट जो जिन्हें बहुत धसा धसा के लिखने की आदत, जिनके इंप्रेशन दूसरे पेज पे आ जाते हैं, वो प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि इस पेज पे लिखने के बाद में इधर न लिखें, अपोजिट साइड में इधर से फिर शुरू करें। और जैसे कि आप लोगों को बताया गया होगा कि 10 पेज लिख लीजिएगा, मैक्सिमम 15 पेज, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज इस बात को दम दिमाग में बिठा लीजिए, 15 पेज से जहां ज्यादा होगा आपकी माइनस मार्किंग होने लगेगी। क्योंकि गाइस देखिए, वो 15 पेज मैक्सिमम बता दिए, उन्हें इतने सारे बच्चों की कॉपियां चेक करनी है, तो जो उन्होंने लिमिट दिया उसके एक्सेस मत जाइएगा प्लीज। हम लोग के मार्क्स खुद ही कट चुके हैं, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि आप ये गलती ना करें, और अगर जितना हो सके 15 के अंदर लिखने की कोशिश करें आप। और आपको ये प्रॉब्लम होगी, अब पेपर पेजेस काउंट कैसे होंगे, अगर हम दोनों के आगे पीछे लिख रहे हैं तो क्या इसको एक ही पेज मानेंगे, या आगे पीछे लिखने के बावजूद भी इसको एक ही पेज माने, आप समझ में क्या कह रहे हो। अगर मान लीजिए आपका ये पेज, इस पर आप पेज नंबर 1 डाल के पूरा लिखे, इस पर पेज नंबर 2 डाल के लिखे, तो इसको एक नहीं मानेंगे, ये पेज नंबर 1 हो गया ये, और ये 2 हो गया, मतलब कि ये 1 पेज, ये 2 पेज, ये 3 पेज, ये 4 पेज। ठीक है गाइस, जब आपने दोनों साइड लिखा है, लेकिन जब एक साइड लिखा है तो 1 पेज, 2 पेज, फिर जो अंदर लेंगे वो 3 पेज, 4 पेज। मतलब आप जितनी बार जितने पेज पे लिखेंगे उतना, साइड से कोई मैटर नहीं करता, बस ये ध्यान रखिएगा आपका इम्प्रेस दूसरी तरफ बहुत ज्यादा ना आए।
नहीं तो फिर वो अजीब हो जाता है थोड़ा। बस इस सब बातों का आपको ध्यान रखना है, और मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी इस बार A4 साइज पेपर पे ही अपने प्रोजेक्ट सबमिट किए थे, क्योंकि हम लोग के एग्जाम जो थे गाइज वो A4 पेज पे ही होने वाले थे। तो टीचर प्रोफेसर ने हमें सारे जो प्रोजेक्ट थे वो A4 साइज पे बनाने के लिए बोला, ताकि आपको प्रैक्टिस हो सके एग्जाम के लिए। तो मैं आपको कुछ अपने प्रोजेक्ट दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बनाया था, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए उस प्रोजेक्ट का। जैसे देखिए, ये मेरे हिस्ट्री का प्रोजेक्ट है, बहुत दिन से बना के रखा है, तो इसका फ्रंट पेज गायब हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरीके का है। आप भी और क्रिएटिव कर सकते हैं। हमें तो एक दिन में तीन तीन चार चार प्रोजेक्ट मिल जाते थे, तो फिर हम लोग कुछ कर नहीं पाते थे। बट आप ध्यान से देखिए प्रोजेक्ट को, कुछ और अच्छा कर पाएंगे। और भी बहुत ज्यादा है पेजेस, तो मैं बस करती हूँ। तो गाइस कैसा लगा आपको ये? इसी तरह का हमने प्रोजेक्ट बनाया था और हमारे पेपर हो रहे हैं, तो इस पे तो प्रोजेक्ट पे क्या मेरे इम्प्रेशन तो आते नहीं, तो मैंने दोनों साइड यूज किया है अपना, दोनों साइड पेजेस यूटिलाइज किया। अगर आपके इम्प्रेशन आ रहे हैं दूसरे साइड प्रॉब्लम आ रही, तो एक फर्स्ट पेज इधर, सेकेंड पेज इधर। मेरा क्या फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ पेजेस ऐसे ही काउंट करेंगे, क्योंकि जब आप वीडियो बनाओगे फोटो खींच के। और मैं आपको एक और एडवाइस दूंगी, बहुत ज्यादा आप लोग पहली बार या कभी पहले पीडीएफ बनाए होंगे, तो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि अब कैम स्कैनर हमारे यहाँ तो बैन है, तो अब आपको एक अच्छा सा पीडीएफ मेकर मैं बता रही हूँ, एडोब स्कैन, एडोब ADOBSCAN, इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा, तो बहुत ही अच्छा ऐप है, आराम से आपका पीडीएफ बन जाएगा, और ये हैंग वैंग नहीं करता, अच्छा है, और सब मुकाबले बहुत ही अच्छा है ये, इससे आपका पीडीएफ इजीली बन जाएगा। और तो आप एडोब स्कैन इंस्टॉल कर लीजिएगा सब लोग। एडोब स्कैन ये ब्लू कलर का रहेगा, इतना छोटा सा आइकन, उसे इंस्टॉल करिएगा। उसमें क्या करना होगा गाइस, आप उसको ओपन करेंगे आराम से, जैसा नॉर्मल पीडीएफ बनाते हैं ले आएंगे, क्लिक करेंगे, फोटो क्लिक करेंगे, आराम से सेट कर लेंगे, तो उसको फोटो क्लिक करेंगे। फिर क्या होगा, जिन्होंने पीडीएफ आज तक नहीं बनाया, मैं उनके लिए ये हेल्प के लिए बता रही हूँ। आप पीडीएफ आपका पूरा हो गया, आपने इंस्टॉल किया अपने फोन में एडोब स्कैन, उसके बाद में उसको ओपन करेंगे। कुछ चीजें अगर कभी कभी मांगता है तो आप उसको अपना नंबर वगैरह अगर मांगेगा आपका तो दे दीजिएगा, नेम वगैरह, फिर वो ओपन हो जाएगा और आपको उसको कैमरे की तरह खुलेगा। उस पर आप ऐसे अपना जो भी पेपर है, जैसे आपका ये पेपर है, आप उस पर ले गए, अपने फोन को ऐसे रखा, आप किसी भी टेढ़े मेढ़े अगर थोड़ा है तो भी आप आराम से रोशनी रहे ऐसा रहे, उसको क्लिक कर दिए। ठीक, क्लिक हो गया आपका, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा ना, कि उसको ऐसे ऐसे चारों तरफ जिस तरह जिस भी शेप में होगा वो क्लिक होगा, तो लाइनिंग बनेंगे। उस लाइनिंग को बस पेपर के हिसाब से, जितना बड़ा पेपर है उस हिसाब से ऐसे खींच के, जहां से भी आप स्ट्रेच करेंगे वो स्ट्रेच हो जाएगी, बुलाए स्ट्रेच करके शेप में करके उसको ऐसे नीचे ऐसे सेव मतलब ओके कर देंगे, तो वो हो जाएगा, फिर नीचे चला जाएगा, फिर दूसरा पेज क्लिक किए उसको भी ओके किया, फिर वो नीचे चला गया, फिर तीसरा पेज, फिर करने के बाद ऊपर, उसके बाद नीचे और भी ऑप्शंस, उस पर आप क्लिक कर देंगे जो ढेर सारे 1-2 नीचे कलेक्ट होता रहेगा, जितने पेजेस आपको हो जाए उस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर ऑप्शन आएगा सेव एज पीडीएफ, और गाइस नीचे और भी सारे ऑप्शन रहेंगे कि कलर्स अलग अलग, नॉर्मल जो उसका नेचुरल कलर है, कलर पर क्लिक करेंगे तो नेचुरल, या और भी 3-4 ऑप्शन रहेंगे उसके अकॉर्डिंग, या और भी सारी चीजें रहेंगी कि आप इसका साइज और छोटा बड़ा, और या कुछ भी आप इधर उधर कर लिए हैं तो अरेंज करने का भी, या कोई आप पेज छूट गया है तो उसको भी ऐड करने का, सब नीचे ऑप्शन रहेगा। करने के बाद जब आप साइज चेक कर देंगे, फिर ऊपर सेव एज पीडीएफ लिखा रहेगा, उस पर क्लिक कर देंगे, पीडीएफ के फॉर्म में सेव हो गया, सेव हो गया। उसके बाद शेयर और मॉडिफाई, ये सारे ऑप्शन आएंगे उसके बस बगल में, जैसे ही सेव होगा तो आप शेयर पे क्लिक कीजिएगा, और उसके बाद आप मेल करना है आपको, शायद आप लोगों को पीडीएफ मेल करना होगा प्रोजेक्ट को अपने, तो आराम से आराम से मेल कर दीजिएगा। ये उनके लिए था जिनको पीडीएफ बनाना नहीं आता, और जिनके पास अच्छा पीडीएफ मेकर नहीं है, तो आप सबके लिए आई थिंक ये हेल्पफुल रहा होगा गाइस। और अगर और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो, कोई इश्यूज हो, तो आप मुझे कमेंट करिए, बाकी उसके बाद में मैं आपके नेक्स्ट वीडियोस में उस कमेंट का सलूशन आपको दे दूंगी, या उसी पूरी वीडियो अगर ज्यादा लोग एक ही चीज पे कमेंट करोगे तो उसका वीडियो ही आपको बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।